अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट नंबर 48 डिस्कस करेंगे। अ पाइनली हुक्ड स्ट्रोक इज हाल्व्ड टू इंडिकेट अ पॉलिंग टी आर डी। कोई भी हाल्विंग स्ट्रोक, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रोक हो जो हुक हो, मतलब उसके साथ कोई भी हुक हो, जो आखिरी हुक स्ट्रोक है उसको हम टी आर डी के लिए हाफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले, एप जो कि आखिरी स्ट्रोक है और इसके साथ जो है ना एन हुक है, तो इसको आप हाफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले डिमांड, तो डिक तो पहला स्ट्रोक है, लेकिन इसके साथ जो नेक्स्ट स्ट्रोक है एम का, तो एम के साथ हुक भी है, तो एम को आप डी या टी के लिए हाफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इस पे वर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है फाइंड, इसमें आय देवतांग है और आखिरी वर्ड है, तो एप को मैं यहाँ पे डी के लिए हाफ करूंगा। एप और एन हुको और आय देवतांग फर्स्ट प्लेस पर, और एप को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया क्योंकि एप के साथ यहाँ पे एन हुक है, तो एप आप डी के लिए या टी के लिए हाफ कर सकते हैं। फाइंड फाउंड आव देवतांग है इसमें थर्ड प्लेस का, इसमें आव देवतांग है, तो एप को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया, एन और आव देवतांग। फाउंड इवेंट, इवेंट वी को यहाँ पे मैं टी के लिए हाफ करूंगा, वी से पहले भी शर्ट ई और वी के बाद भी शर्ट ई, वी को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया, एन हुक को यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया, वी से पहले शर्ट ई और वी के बाद भी शर्ट ई। इवेंट डिमांड, डी के बाद शार्ट ई सेकंड प्लेस वावल, तो डी को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा, और एम यहाँ पे मैं डी के लिए हाफ कर सकता हूँ क्योंकि एम के साथ एन हुक अटैच है और एम एक आखिरी जो है ना हुक है, तो एम को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया और एन इसके साथ अटैच कर दिया। डी के बाद शार्ट ई और एम के बाद शार्ट ए फर्स्ट प्लेस का। डिमांड अमाउंट, एम को मैं टी के लिए हाफ करूंगा क्योंकि ये आखिरी हुक्ड स्ट्रोक है, तो एम को मैंने टी के लिए फर्स्ट प्लेस पर हाफ कर दिया और एन हुक इसके साथ अटैच कर दिया, और आओ देवतांग फर्स्ट प्लेस पर। अमाउंट शिपमेंट, एश के बाद आए थर्ड प्लेस वावल, एश को मैं थर्ड प्लेस पर लिखूंगा पी, और आखिरी जो हुक्ड स्ट्रोक है वो एम है, तो एम को मैं टी के लिए हाफ कर सकता हूँ। एम को मैंने टी के लिए हाफ कर दिया और एन हुक इसके साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे आए थर्ड प्लेस पर और मेंट एम के बाद भी आए शार्ट ई सारी। शिपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी के बाद शार्ट ई सेकंड प्लेस वावल और यहाँ पे पी आर सीरीज एम एन टी, अगेन मैं एम को टी के लिए हाफ करूंगा, डी के बाद शार्ट ई और मेंट के बाद भी शार्ट ई, और यहाँ पे आप देख ले पी आर सीरीज आया, तो ये एक रूल्स है कि जब भी पी और यानी स्ट्रोक और हुक के बीच में कोई भी वावल हो, तो आपने अगर डॉट वावल हो तो आपने स्मॉल सर्कल का जो है ना आपने स्मॉल सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करना है, और अगर डैश वावल हो तो आपने डैश से उसको क्रॉस करना है या टच करना है, तो यहाँ पे पी और आर के बीच में यहाँ पे डॉटेड वावल है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर स्मॉल सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो पी और आर के बीच में हुक हो और स्ट्रोक के बीच में जो भी वावल होगा जिस प्लेस का भी होगा, तो उसी प्लेस पर आपने रिप्रेजेंट करना है डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट बी नंबर ओपनड, ओपनड स्टेट स्ट्रोक भी आप जो है ना टी ओ डी के लिए हाफ कर सकते हैं। ओपनड अगर वो आखिरी हुक स्ट्रोक हो, तो ओपनड सेकंड प्लेस वावल, पी को मैं डी के लिए हाफ करूंगा और एन हुक का आपको पता है आखिर में हम इस साइड पर अटैच करते हैं, पी को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया, लॉन्ग ओ फर्स्ट प्लेस पर और पी के बाद शार्ट ई। ओपनड स्पेंट एंड स्पेंड, ये दोनों सेम टू सेम है क्योंकि पी को मैं यहाँ पे टी के लिए भी हाफ कर सकता हूँ और डी के लिए भी हाफ कर सकता हूँ। स्पेंट एंड स्पेंड एस पी सेकंड प्लेस पर और एस पी को मैंने टी आर डी के लिए हाफ कर दिया और एन एंड शार्ट ई सेकंड प्लेस पर। स्पेंट या स्पेंड प्रेजेंट, प्रेजेंट इसमें आप देख ली पी आर सीरीज शार्ट ई सेकंड प्लेस का, तो पी आर को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा, आउटसाइड पर इस सर्कल को अटैच करके डी टी के लिए हाफ करूंगा, डी टी के लिए हाफ और एन हुक। प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट नेक्स्ट रिटर्नड, रिटर्नड रे के बाद शार्ट ई सेकंड प्लेस वावल, रे को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा टी, और ये जो नेक्स्ट रे है इसको मैं डी के लिए हाफ करूंगा, रे को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया एंड एन हुक इसके साथ अटैच कर दिया। रिटर्नड रे के बाद शार्ट ई लाइट डॉट और टी के बाद शार्ट यू लाइट डैश रिटर्नड। और नेक्स्ट सी नंबर अप्रूव्ड, पी से पहले शार्ट ए, तो मैं इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखूंगा पी आर, और पी को यहाँ पे मैं डी के लिए हाफ करूंगा एंड वी हुक, पी से पहले शार्ट ए लाइट डॉट एंड आखिर में लॉन्ग ओ,
तो लाइट डार्क डैश अप्रूव्ड। लास्ट वर्ड डिजर्व्ड, डिजर्व्ड डी के बाद शायद ई सेकंड प्लेस वावल, डी को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा एस, रेकोमेडी के लिए हाफ करूंगा एंड वी हुक डी के बाद शायद ई, डिजर्व्ड डिजर्व्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।